नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। कांग्रेस ने गांधी का नाम लिया, हमने विचारों पर कार्य किया। गांधी संकल्प यात्रा के आखिरी दिन अमेठी विधानसभा में इस कार्यक्रम का समापन मां कालिका देवी के दरबार में हुआ। आज रामनगर से आरंभ किया गया, विशेषगंज बाजार होते हुए यात्रा कालिकन धाम पहुँची। कालिका धाम में स्वच्छता कार्यक्रम में अमेठी विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर कालिकन धाम को स्वच्छ बनाने का कार्य किया। प्राइमरी स्कूल भक्त सिंहपुर में एक वृक्षारोपण किया गया। मंडल अध्यक्ष विपिन बिहारी शुक्ला ने बताया है कि कांग्रेस ने गांधी जी का नाम दिया, लेकिन मोदी की सरकार ने उनके विचारों को जमीन पर उतारने का कार्य किया। विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह ने बताया है कि यह यात्रा का समापन मां कालिका देवी के दरबार में किया गया है। यह संकल्प यात्रा जनता से मिलने, जनता हम तक पहुंचे, यही उद्देश्य है। जिला महामंत्री प्रवीण सिंह ने बताया है कि जाति पाति से ऊपर उठकर भाजपा में लोग विश्वास रखें, यदि उद्देश्य है। मुख्य अतिथि टीम के अगुवा विधायक प्रतिनिधि अनंत विक्रम सिंह, महामंत्री प्रवीण सिंह, मंडल अध्यक्ष विपिन बिहारी शुक्ला, त्रिजुगी नारायण शुक्ला, रामेंद्र गौरव, सुरेश सिंह आदि गणमान्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाचार ए टू जेड के लिए अमेठी से आशीष सिंह की रिपोर्ट। सरकार का कार्यक्रम था, किस लिए आज जो है संकल्प मार्च किस प्रकार का था, इससे कुछ आप? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और 14 तारीख तक चलेगा, पूरे प्रदेश भर में, देश भर में चलेगा। और इस कार्यक्रम के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हम सब कार्यकर्ता मिलकर समाज में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह हमारे सरदार पटेल जी ने और महात्मा गांधी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना देखा था, उसको आज हम लोग पदयात्राओं के तहत, स्वच्छता अभियान के तहत और समाज सेवा के कई कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में संदेश दे रहे हैं कि हम लोग को, सब लोगों को जातिवाद, धर्मवाद, अर्थवाद ये सब छोड़ के, इसके परे ऊपर उठ के हम लोगों को एक समाज बनाना है और सब लोगों के भाईचारे के साथ रहना है। और एक जो सपना उन लोगों ने देखा था, हमारे पूर्वजों ने, उस श्रेष्ठ भारत का सपना आज हम लोग को वास्तविकता में धरातल पर उतारना है, इसी संदेश के साथ हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। आज कहाँ कहाँ यह जन संकल्प यात्रा? आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ HAL गेट से, वहाँ से हम लोग मुंशीगंज होते हुए रामनगर होते हुए, वहाँ से फिर हम लोग विशेषरगंज बाजार में और उसके बाद फाइनली अब कालिकन धाम में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ माता जी के दरबार में हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग वही संदेश समाज में देना चाहते हैं। किस प्रकार का ये जो संकल्प यात्रा चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और कब तक चलेगा, इसका आयोजन कब मुख्य है? महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प यात्रा जो चलाई है, राष्ट्र को एक सूत्र बांधने के लिए, भारत माता जिंदाबाद, कोई जात, कोई बिरादरी, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ भारत और हमारा हो, राष्ट्र ऊंचा हो, राष्ट्र पर प्रेम हो, इसीलिए संकल्प यात्रा चलाई गई है। इससे लोगों में एक जन जागरण भी हो रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं। सफाई स्वच्छता मोदी जी का भी एक स्वच्छता अभियान हो, इसी साथ साफ स्वच्छता हो रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ाइए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो मेरा राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। यही भावना से ये संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, पूरे देश में चल रही है। लोकसभा वाइज जिसमें हर विधानसभा में 3 दिन का प्रोग्राम होता है, आज इसका हमारी विधानसभा समापन किया, पूरी लोकसभा में समापन का डेट है। संदेश क्या देना चाहते हैं आप जनता? संदेश एक जात से पात से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए, एक नीत से राष्ट्र हमारा कैसे तरक्की करे, यही मेरा संकल्प है, यही लोगों को जागरूक करने की भावना है, यही हम लोग जागरूक कर भी रहे हैं और लोग जागरूक हो भी रहे हैं। बाकी मोदी जी की भारत माता की जय। पूछिए। वो अपने कैमरा, किस प्रकार का आज कार्यक्रम था, आप सब किस प्रकार का कार्यक्रम सम्मिलित हुए, क्या क्या आयोजन हुआ? आज हम लोग पदयात्रा किए और माननीय मोदी जी के संदेशों को हम लोग पदयात्रा के माध्यम से पूरा किया और उसमें विशेष तौर से सफाई कार्यक्रम
जो कालीकंद धाम में हम लोगों ने किया, स्वच्छता का कार्यक्रम किया जो कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया, माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने के लिए हम सब लोग स्वच्छता में जुटे हैं, और ये स्वच्छता रहेगी तो देश स्वच्छ रहेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, और इसी के साथ हमारा देश आगे बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास होगा। आज संग्रामपुर में किस प्रकार के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, क्या इसका प्रयोजन रहा, क्या लक्ष्य? ये गांधी संकल्प यात्रा के तहत आज स्वच्छता अभियान में हम लोग माँ कालिका धाम में एक साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हुए और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए और समाज के सभी जागरूक नागरिक यहाँ पर आए, और हमारी पार्टी का इस ध्येय है कि गांधी जी के सपनों को हम लोग साकार करें। कांग्रेस ने गांधी का नाम लिया, लेकिन हम लोगों ने गांधी जी का काम लिया, इसी पे हम लोग काम। भारत माता की जय।